तो देखो आज से हम लोग क्या चालू करने वाले हैं, राउटिंग। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को वो सेटअप करवा दिया था अच्छे से पूरा, देखा ना, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट के अंदर, एसआरसी के अंदर कंपोनेंट के अंदर बनवाए थे ना, होम का काम, होम के अंदर सीएसएस, ठीक है, और लेआउट और पेजेस के अंदर अबाउट वाले चीजें, पेजेस के अंदर जाओ, पेजेस के अंदर, अरे हटा चीजें क्यों रहे, कुछ भी जो है बने अंदर उसको, फिर भी यार फंसे रहोगे घंटों भर। हाँ ठीक है, ठीक, बढ़िया। चलो मैंने आप लोगों को बोला था होम पेज बनाने के लिए, इनको होम पेज दिखा दूँ पूरा हॉस्पिटल का, सब लोग देख लें होम पेज पूरा, ये रिएक्ट पे बना हुआ है, नीचे आ जाओ, सब देख लो, ये पूरा होम पेज रिएक्ट पे बना हुआ है। और मैं क्या करना है, ये राउटिंग वाली चीज़ें चालू करनी है, होम, अबाउट, ब्रांड, अवर टीम, प्रेस रिलीज, है ना, ये राउटिंग चालू करनी है हमें। इस पर अबाउट पे क्लिक करूंगा तो अबाउट वाला पेज चालू हो जाना चाहिए, ठीक है, ब्रांड पे क्लिक करूंगा तो ब्रांड वाला पेज चालू हो जाना चाहिए, क्लियर। अब कोड में आ जाओ, अभी ना हेडर वाला कोड दिखाओ, हेडर में तुमने कैसे काम किया, यस सर, हेडर में देखो, कैसे काम हेडर किया का था मैंने जिनका हेडर। हेडर का एचटीएमएल कोड है, ठीक है, खोलो उसको, कोड ओपन करो, देखो यस जी दिख रहा है हेडर, हेडर के बाद उसमें आ जाओ, सीएसएस पे आ जाओ, इसके ये यस सीएसएस लगा हुआ है पूरा, देखो इसीलिए मैंने पूरा अलग से करवाया था, हचपच नहीं होगा। चलो फुटर पे आ जाओ, फुटर दिखा दो उनको, देखो जी फुटर पे जो काम कर रखा है इसने पूरा अलग से, इससे हचपच ना आए कोड कुछ भी, ठीक है। चलो अब उस पे आ जाओ, अब हो गया एड्रेस फोटो, होम पेज दिखा दो उनको, होम यस पेज दिखा दो, अब सब देखे जो होम पेज पे जो काम कर रखा है, तो इसने होम पेज का जो पूरा काम कर रखा है सब लोग देख लें पूरा काम बढ़िया, और सीएसएस दिखा दो होम पेज के लोगों को, ठीक है, जो यस होम पेज की सीएसएस लगा रखी है, बैकग्राउंड में इमेज दिखा दो कैसे लगाते हैं इनको, अरे वो बैकग्राउंड लगा वाली ही इमेज नहीं दिखा दो था, इनको, देखो जो अब ये लगी हुई लगा। है सब लोग देख लो, डॉट डॉट स्लैश से भी काम चल जाएगा, पब्लिक अभी ना लेना पड़ता था, है ना। मतलब चलो इससे मतलब आ डॉट रही है डॉट कि तो स्लैश मैं लगा फिर के करना काम है। चला लेते हैं, अच्छा वैसा ही कर हाँ लेते तो चलो हैं, कोई ठीक। नहीं, हाँ कैसे भी कर लो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें आ जाओ, अबाउट वाला पेज दिखा दो, बनाया ना तुमने अबाउट वाला पेज, यस सर, वो अब देखो लेआउट पेजेस के कैसे अंदर बनाऊं होगे ना, पेजेस पेजेस के अंदर, के अंदर, यस सर हाँ ऐसे बनाया पेजेस के है। अंदर देखो अबाउट वाला, अबाउट वाला पेज सब देख लो इस तरीके से, अबाउट डॉट जेस दिखा दो उनको, देखो जो अबाउट वाला पेज बना हुआ है इसका, इसकी सीएसएस बनी हुई है, आप लोग सीएसएस देख लें पूरी ये। चलो ठीक है, पूरा काम रेडी चल रहा है, इस तरीके से काम करना है, तो अब हम करने वाले हैं राउटिंग वाला काम, ठीक है। तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं रिएक्ट राउटर डोम। चलो अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा काम की ओर देखते हैं, तो हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा रिएक्ट राउटर डोम नाम से, ठीक है। तो लिखो एनपीएम, देखिए सब लोग एनपीएम आई रिएक्ट अंडरस्कोर राउटर अंडरस्कोर डोम, रिएक्ट राउटर अंडरस्कोर डोम, बीच के माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन, ओके। बीच में हाँ डोम, सही है सर, हाँ सही है, एंटर दे दो सब लोग। अभी चैट में लिंक दे रखी है, देखो रिएक्ट राउटर, अभी जो हम रिएक्ट राउटर डोम यूज कर रहे हैं ना वो सिक्स वाला यूज करेंगे, चैट में लिंक देख लो, चैट में सब लोग लिंक देख रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम सिक्स जो लेटेस्ट अभी है, अभी लेटेस्ट जो रिएक्ट राउटर डोम है ना वर्जन उसका यही चल रहा है सिक्स करेंट वर्जन, सब लोग वेबसाइट ओपन कर रहे हैं रिएक्ट राउटर डोम वाली, चैट में लिंक शेयर कर रखी है,
अभी जो करेंट वर्जन चल रहा है ना वो यही चल रहा है। चलो अब आ जाओ नीचे वेबसाइट पे आ जाओ, अपनी कोड में, सॉरी कोड में आ जाओ, कोड में। तो रिएक्ट राउटर हमारा डूब इंस्टॉल हो गया, और package.json में जाके चेक कर लो, package.json में जाके चेक कर लो, डिक्लेयर हो गया होगा। नीचे जाके देखो यार, यार रिएक्ट राउटर डूम वर्जन आपको दिख गया 6.4.1, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं app.js पे। अब हमें क्या करना होगा, राउटिंग का थोड़ा सेटअप करना पड़ेगा। एंगुलर में क्या होता है, पूरा बना बनाया मिल जाता है, ठीक है ना। आ जाओ नीचे, तो सब लोग आ जाओ नीचे। ये क्या कर रखा है यहाँ पे इतना सारा, मैं नहीं था ये तो और पहले ही ऐसा, तो ये सब हटा दो यहाँ से। हाँ पूरा हटा दो, पूरा हटा दो यहाँ सब लोग, सब हटा दो यहाँ से। अब वो साइन लगा लो, एंटर दे दो। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ऊपर रिक्वायर करना पड़ेगा पहले, ठीक है। अब देखो आओ ऊपर चलो, ऊपर उसको वेबसाइट पे और रिएक्ट राउटर की। अब देखो मैं क्या रिक्वायर करना पड़ेगा, वेबसाइट से लोग आ जाए, नीचे आओ नीचे। देखो दिख रहा है आपको, अरे इतना नीचे नहीं, ऊपर चलो ऊपर। बस देखो लिखा इम्पोर्ट, लाइन कॉपी कर लो, लाइन नंबर टू वाली, लाइन नंबर टू वाली लाइन पूरी कॉपी कर लें सब लोग वेबसाइट से। ब्राउजर राउटर राउटर्स राउट ये कॉपी करके पेस्ट कर लें। ऊपर ऊपर कॉल कर लें, ठीक है। लाइन नंबर एक पर थोड़ा खिसका दूं ऊपर, यस। बस देखो ब्राउजर राउटर राउटर से राउट, एक एक समझाऊंगा। ब्राउजर राउटर क्या करेगा, वो ब्राउजर को कहेगा कि भाई ये इसको, ये राउटिंग है इसको आप चला दो, ठीक है। ये राउटिंग को चलाने वाला काम करता है पूरा ब्राउजर पे। जो आपकी जो राउटिंग चलेगी ना, अबाउट पे क्लिक करोगे, ब्रांड पे क्लिक करोगे, वो किससे चलेगी, ब्राउजर राउटर से आपकी ये, ठीक है। तो चलो अब यहाँ पे आ जाओ नीचे, लाइन नंबर 10 पे आ जाओ, लिखो ब्रैकेट का साइन लगा के, लेस देन का साइन लगा के लिखो ब्राउजर राउटर। हमारी जो भी राउटिंग चलेगी ना, वो किसके अंदर चलेगी, ब्राउजर राउटर के अंदर। बंद कर दो, एंटर दे दो बंद करके। अरे ऐसे नहीं, लेस देन का साइन डाल दो वहां से, यहाँ सर लास्ट में। लास्ट लेस देन कहाँ लगा हुआ है जी, हटा दो लेस देन साइन, वही तो उसको हटा दो। अरे उसी वेबसाइट पे हटा दो, ना ना वेबसाइट पे। अब बंद को ब्रैकेट बंद करो, दिख रहा है देखो कैसे लगाया, देखो ये लगाना है, देख लो, देख लो, देख लो जी, देख लो कैसे लगा हुआ है, दिख रहा है सबको, सेम यही काम करना है मुझे, सेम इसी तरीके से पूरा काम, ये पूरा उठा लो, कौन पेश कर दो हमें जाके, उठा के वापस। अरे देख देखो तो कहाँ तक कॉपी करना है, देखो तुम कहाँ से कॉपी करना है, कहाँ तक कॉपी करना है। ब्राउजर राउटर स्टार्ट कहाँ हुआ और एंड कहाँ हो रहा है, अरे यहाँ पे हो रहा है, स्टार्ट कहाँ हो रहा है, तो मैंने कहाँ से कॉपी करने बोला था, ब्राउजर राउटर से, और एंड कहाँ पे हो रहा होगा उसका, यहाँ पे हो रहा है। पूरा कॉपी कर लो स्टार्ट से एंड तक का, यहाँ से यहाँ तक कर ले, हाँ तो वही तो, क्या वही तो कॉपी होगा, वहां जाके पेस्ट कर लो। अंदर कंटेंट सर मुझे लगा नहीं करना, अब इंदा कंटेंट सही करवा दूंगा, अब वो फॉर्मेट सही करो उसका, फॉर्मेट राइट क्लिक करके सही हो जाएगा, वो राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है ना फॉर्मेट सही करने का, हो गया सही हो। चलो अब देखो सब लोग यहाँ पे, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ब्राउजर राउटर, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे क्या कॉल किया, राउटर को, उसके अंदर राउट को, ठीक है। ऊपर देखो ये तीन चीज थी, ऊपर देखो टॉप पे, ऊपर देखो टॉप पे, ये तीनों चीज थे राउटर और राउट, ठीक है। अब ये डालो लाइन नंबर जो एक पे लिखा ना एलिमेंट, आपने जो एलिमेंट लिखा हुआ है जी, अंदर के सब हटा दो जी, लाइन नंबर 9 से लेके, यस सर, ये हटा दो अंदर के सारे, बस ऊपर आ जाओ जी, छोड़ दिया तो मैं एक छोड़ दिया तुमने, ये राउट ये बिठा दो बस, ठीक है। सबसे पहले हमने किसको कॉल किया, ब्राउजर राउटर को,
है ना, जो हमारे ब्राउजर पे राउटिंग चलाएगा। फिर उसके अंदर हमने किसको लिखा, राउटर्स को लिखा हुआ है, ठीक है, जो हमारा राउटिंग वाला काम करेगा। अब हमें क्या करना होगा, पाथ सेट करने होंगे। जैसे आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो अबाउट वाला पेज चलेगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करोगे कॉन्टैक्ट वाला पेज चलेगा। तो वो काम किसके अंदर करते हैं, वो देखो दिख रहा है, वो राउट के अंदर करते हैं। तो देखो यहाँ पे लेस देन, देखो लेस देन राउट आर कैपिटल आएगा, है ना। स्पेस देख लिखो पाथ, स्पेस देख लिखो पाथ इक्वल स्लैश, स्लैश लगा लो। अब डबल कोट के बाहर जाके लिखो एलिमेंट, स्पेस देखे एलिमेंट वो आ गया, इक्वल कर्ली ब्रैकेट लगाओ और उसके अंदर लिखो लेस देन एच होम, लिखो होम लेस देन होम, होम एच कैपिटल होम। तुम्हारे में तुमने होम बनाया नहीं अभी, बनाया कंपोनेंट है ना सर, ऊपर इंपोर्ट है ऐप पे, यहाँ पर इंपोर्ट नहीं है, ऐप पे नहीं है। तो अपना भी इंपोर्ट होता है ना, अपने आप इंपोर्ट होता हो सर, यहाँ मैंने बनाया था, यहाँ पे इंपोर्ट हुआ था इंडेक्स। अरे तो मैंने भाई यहाँ पे क्यों करना, तुम कहाँ काम कर रहे हो, सारा काम किसके अंदर करना होता है, ऐप के अंदर करना होता है सारा काम, इंडेक्स के अंदर काजी क्यों कर रहे हो। और बताया सर यहाँ बंद कर दिया देवता, देवता महाराज ऐप की डॉट जेएस के अंदर सारा काम करना होता है। मैंने कहा था ना इंडेक्स डॉट जेएस में कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो पहले वहां से हटाओ जाके इंडेक्स डॉट जेएस से, सब हटाओ यहाँ से है वो मैडम सब, या बाय डिफॉल्ट ऐप करो, ऐप मेन कंपोनेंट है ना हमारा। यस सर इसे हटा दो, मैं उसको कमेंट कर दिया ऊपर से बैठाओ, इंपोर्ट हेडर फुटर सब हटाओ यहाँ से और ऐप को दोबारा इंपोर्ट करो, दोबारा इंपोर्ट करना पड़ेगा। बताया था ना स्टार्टिंग में कि इंडेक्स में कोई छेड़खानी करनी नहीं है, हमारा मेन कंपोनेंट ऐप कंपोनेंट है, हमें जो भी काम करना है वो ऐप के अंदर करना है। सेव करो, और पूरे प्रोसेस समझाई थी मैंने इसलिए। चलो अब उस पे आओ, ऐप पे आओ, अब यहाँ पे दोबारा से लिखो होम, होम दोबारा से लिखो अंदर वाला, दोबारा होम आ नहीं रहा अपनी, तुमने क्या गड़बड़ी कर दी, वो अपने आप आता है। लाइन हटाओ यारी, हटाओ यारी डबल कोट वाली, हटाना जी, हटाओ पाथ वाले जी, हटाओ जी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है तो होम। अच्छा ये अपने आप आता है। फिर यहाँ पे लेस देन का साइन लगाओ, लेस देन और कर्ली ब्रैकेट, लेस देन वाला ग्रेटर देन, लेस देन पहले लेस देन का साइन लगाओ, स्लैश सॉरी स्लैश देखो स्लैश स्लैश और बंद करो उसको, स्लैश ग्रेटर देन का साइन, ग्रेटर देन का साइन लगा दो, ग्रेटर देन वाला। अरे तो बस अब इक्वल के इक्वल पे आओ, इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओ, इक्वल के बाद कर्ली ब्रैकेट लगाओ, कर्ली ब्रैकेट बोला है, ठीक है। अब इसके अंदर चलो, इसके अंदर लेस देन का साइन लगाओ, लेस देन का साइन लगा के लिखो होम, लेस देन का साइन लगा होम, होम एच ओ एम ई, होम नाम का कंपोनेंट है तुम्हारा कि नहीं है, और लेस देन बंद करो। हाँ है ना सर, यही तो है होम डॉट जेएस, इसको बंद करो लेस देन, इसको ऊपर जाके इंपोर्ट करो, चलो ऊपर लाइन नंबर 3 पे जाके इंपोर्ट कर लो, पूरा बताने के बाद ही जाने क्या खिचड़ी तुमने पकाते हो। देखो इंपोर्ट होम, देखो इंपोर्ट होम, होम देखो होम एच कैपिटल में, फ्रॉम स्पेस देखे फ्रॉम एफ आर ओ एम, ठीक है। फिर स्पेस दो सिंगल कोट में लिखो डॉट स्लैश कंपोनेंट स्लैश होम डॉट जेएस, सेमीकोलन लगा दो लास्ट में, बस सेव कर लो।
हियरर, इसी को फिर से कॉपी करो, हाँ सेव करो। ओके इसे दोबारा कॉपी करो। लाइन नंबर 10, लाइन नंबर 10 पे आओ। अब राउटिंग एवर्ट वाइज राउटिंग करो। ओके नीचे कॉपी करो, पेस्ट करो दोबारा से। अब हम लोग को स्लैश अबाउट यहां पर, अब हम लोग को होम की जगह लिखो अबाउट ए कैपिटल में अबाउट। अब वहां पे जाके इंपोर्ट करो, कंपोनेंट बाकी लोग भी करते जाएं। ऐसी कर लो सारी राउटिंग जितने तुम्हारे हुए हैं, दो पे बने, तीन बने हुए सारे, वो कर लो। बाकी लोग भी कर ले राउटिंग जल्दी से। बाकी लोग भी करते जाएं। बाकी सारा कुछ वेबसाइट पे दिया है पूरा राउटिंग का, तो वेबसाइट है उसको सेव कर लेना, सारा कुछ आपको वहां से मिल जाएगा वेबसाइट से। हाँ सर दो पे रेडी है, दो पे कर ली। ठीक है इतना काम सब लोग जल्दी करें, पहले टू हटा दो ना एचआरईएफ की जगह पर। सर क्या इसलिए हटा दे यहाँ से एचआरईएफ? कौन सा मेरी आवाज आ रही है? मैंने क्या कहा? जहाँ पे एचआरईएफ लिखा उसको हटा दो, उसकी जगह टू लिख दो। तो वर्ड हटाना चाहते हो? वर्ड हटाना था एचआरईएफ ये। अभी तुमने वहां पर क्या देखा था वेबसाइट पे? देखा तो होगा लिंक, क्या देखा था लिंक में? कौन सा तुम्हारा टू लिख रहा है? टू आएगा, टू। हां तो वही तो कह रहा हूं, टू लिखो वहां पे। मेरा मतलब इस समय करो वाला नंबर वाला टू बोल रहा है। अरे भाई मैं क्यों बोलूंगा जब वहां पर तुम्हें दिख रहा है वेबसाइट में? तुम्हें दिखाया था वेबसाइट में ना कि भाई ये लिखा जाएगा? करते जाएं सब लोग। कंट्रोल प्लस ऐप कर लो, कर लो आराम से। ठीक है सर, तीन अरे दो पे कर लो। हाँ दो पे कर लो, दो पे कर लो, सेव कर लो। चलो सेव कर लो। अब वेबसाइट जाके चेक करो, अबाउट पे जा रहे हैं क्या? वेबसाइट जाके चेक करो, ऊपर आओ। बाकी जगह से एंकर टैग हटा दो, कुछ गड़बड़ी हुई है। चतरो तभी गायब हो गया। बाकी जगहों से हटा दो एंकर टैग, बाकी जगह से हटा दो एंकर टैग सारे जे। कमेंट कर दे सर उनको, कमेंट कर दो जो तुम्हें करना शुरू कर दो। वो कमेंट सर ज्यादा सही रहे, बाद में सेट कर लो। अब सेव करो आके, देखो क्या कुछ गड़बड़ी तो नहीं आ रही है। हाँ तो हेडर क्या हो गया? हेडर नहीं दिख रहा। ऊपर चलो सब, सुपर टॉप पे आओ। ऊपर टॉप पे आओ, एएचआरईएफ ऊपर भी लगा हुआ है, देखो एएचआरईएफ। क्या सर ये अगर एंकर टैग लगाए थे सर, मतलब कही है सर वहां पे यूज नहीं किया इंडेक्स app.js में? app.js में यूज नहीं किया है क्या? नहीं यूज किया यहां पे? अरे यहां कौन सी करो, आप पे हेडर कौन सा है? app.js में तो बोल रहा हूं,
अच्छा यहाँ पे एडर लाइन नंबर 9 के नीचे आ जाओ, लाइन नंबर 9 के नीचे यहाँ पे एडर कॉल कर दो। हाँ हेडर कॉल करो यहाँ पे एच ई हेडर 12 इंच देखो 12 इंच बंद करो और फुटर कॉल करो राउटर्स के बाहर नीचे आ जाओ राउटर्स नीचे यहाँ पे क्योंकि हेडर फुटर हर पेज पे कॉमन रहेंगे ना। हाँ यहाँ पर हेडर फुटर हर पेज पे कॉमन रहेंगे फुटर आए नहीं वो डिफाइन करो फुटर को नहीं फुटर लाइन नंबर 6 द्वारा कॉपी कर दो राउट्स के नीचे दोस्तों और इसके नीचे 17 हाँ, सही किया उसने। अरे सही किया है इंपोर्ट कर लो द्वारा लाइन नंबर 6 कॉपी कर लो लाइन नंबर 6 को कॉपी कर लो बस आप लिख दो फुटर फुटर का तुम्हारा एफ कैपिटल है एफ कैपिटल कर दो वहां पे भी एफ कैपिटल कर दो फुटर का ओके लास्ट में बस सेव कर लो अब जाके देखो एडर आया कि नहीं आया। हां सर आया अब क्लिक करो अबाउट पे क्लिक करो अबाउट पे चल गया अबाउट पे सब देख लो चल गया सिंगल पेज देखो सिंगल पेज सब लोग देख लें सिंगल पेज वेबसाइट विदाउट रिफ्रेश जैसे एंगुलर में चलती है अबाउट पे क्लिक करो चलने लगी सिंगल पेज वेबसाइट सब देख लें अब इनको भी दिखा दो आप लोग सही कर लो वाला काम आप लोग भी सही कर लें राउटिंग वाला काम इतना पहले राउटिंग वाला इतना काम सही कर लें। अब देखो अगर हम ब्राउजर राउटर नहीं यूज करेंगे बंद कर देना ब्राउजर राउटर को तो ब्राउजर पे हमारी राउटिंग काम ही नहीं करेगी उसको चला ही नहीं पाएगा। अब जाके चेक करो ब्राउजर पे तो सब बंद हो गया दिख रहा है यस सर तो चालू कर लो उसको। वैसे ये भी सिंपल है राउटिंग कोई टफ थोड़ा है इंस्टॉल करो इंपोर्ट करो सेट करो बस इसमें भी कोई टफ नहीं है राउटिंग इसकी भी सब लोग देख लो राउटिंग। अब हेडर दिखा दूंगा हेडर में हेडर फुटर हमेशा राउटर्स के ऊपर रहेंगे हेडर फुटर्स राउटर्स के ऊपर लगेंगे क्योंकि वो सब पेज पे कॉल होने हैं इसलिए हेडर फुटर्स राउटर्स के ऊपर रहेंगे क्योंकि सारे पेजों पे क्या होने वाले हैं कॉल इसलिए